रसोई घर के मोबाइल नंबर पर रॉन्ग नंबर से कॉल आई। घर में औरत ने मोबाइल को रिसीव किया तो आगे से गैर अनजानी आवाज़ सुनकर औरत ने कहा, सॉरी रॉन्ग नंबर है, और फ़ोन बंद कर दिया। लड़के ने जब हेलो की आवाज़ सुन ली तो वो समझ गया कि ये लड़की का नंबर है। अब इस रॉन्ग नंबर को मिलाने वाला लड़का मुसलसल इस नंबर पर कॉल करता रहता, लेकिन वो औरत फ़ोन ना उठाती। फिर वो मैसेज करता कि जानू बात करो ना, मोबाइल क्यों नहीं रिसीव करती। याद रहे औरत की सास बड़ी मकार और लड़ाई झगड़े वाली खातून थी। इसकी एक वजह यह भी थी कि इसकी बेटी औरत के भाई के निकाह में थी और वो अपने खावंद के घर में खुश नहीं थी। नतीजतन इसका सारा जोर अपनी बहू पर निकलता था। वो इस बेचारी बहू को बहाने बनाकर हर वक्त झगड़े किया करती थी। इस वाक्य के एक दिन बाद मोबाइल पर रिंगटून बजी तो सास ने कॉल रिसीव की। आगे से लड़के की आवाज़ सुनकर सास खामोश हो गई। लड़का बार बार कहता रहा कि जानू मुझसे बात क्यों नहीं करती, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। सास ने खामोशी से सुनकर मोबाइल बंद कर दिया। अब जब रात को औरत का शोर घर आया तो सास ने लादा बुलाकर अपनी बहू पर बद चलने और नामालूम लड़के से याराने का इल्ज़ाम लगाया। शोर ने इस वक्त जाहिलियत का किरदार अदा करके बीवी की एक भी नहीं सुनी और बीवी को रस्सी से बांध कर बेइंतहा तशद्दुद का निशाना बना डाला। जब वो तशद्दुद से फारग हुआ तो सास ने मोबाइल हाथ में थमा दिया और कहा कि ये नंबर है तुम्हारी बीवी के यार का। शोहर ने मोबाइल कॉल्स चेक की और इसके बाद मैसेज चेक किए तो लड़के के तमाम मैसेज मौजूद थे, जिसमें कहा गया था कि जानू कैसी हो, जानू बात करो ना, जानू तुम्हारी आवाज़ ने मुझे पागल कर दिया है। जाल शोर तमाम मैसेज पढ़कर और भी सीखपा हुआ। और इधर सास ने बहू के भाई को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बहन को हमने अपने यार के साथ मोबाइल पर बात करते हुए और मैसेज करते हुए पकड़ लिया है, जिसने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। इस वक्त इस लड़की का भाई और माँ फौरन अपनी बेटी के घर आए। इधर लड़की की सास और शोहर ने इसके भाई और माँ को ताने दिए कि तुम्हारी बहन बदचलन है, जानी है, और ये अपने यार के साथ मोबाइल पर गपशप लगाती और हमारी इज्जत खाक में मिलाती है। इस लड़की के भाई ने भी जमाना जाहिलियत को मात दे दी और अपनी बहन को बालों से पकड़कर खूब मारा। लड़की कस्में खाकर अपनी सफाई पेश करती रही, लेकिन जाहल और शैतान सास और शोहर के आगे बेबस रही। लड़की की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि नहा धोकर कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई पेश करो। लड़की ने नहा धोकर कुरान पाक पर भी सबके सामने हाथ रख दिया, लेकिन शैतान सास ने इसको भी ठुकरा दिया और कहा कि जो लड़की अपने शोर से गिरदारी कर सकती है तो इसके लिए कुरान पाक पर हाथ रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं। और इसके साथ लड़की के जाहल शोर ने वो सारे मैसेज लड़की के भाई को दिखा दिए जो लड़के ने लड़की को इम्प्रेस करने के लिए किए थे। लड़की की सास ने जलती पर तेल छिड़का और कहा कि तुम्हारी बहन चलाक और मकार है, जिस पर लड़की के भाई को गैरत आई और इसने तैश में आकर अपनी बहन की एक भी न सुनी और पिस्तौल निकालकर अपनी बहन के सर में चार गोलियां मार दीं। और यूं एक रॉन्ग नंबर की वजह से एक खानदान उजड़ गया। जब लड़की के दूसरे भाई को खबर हुई तो इसने इन सब पर FIR कटवा दी। जब पुलिस ने इस मोबाइल के डाटा को चेक किया तो मालूम हुआ कि लड़की ने सिर्फ एक दफ़ा ही रॉन्ग नंबर को रिसीव किया था और फिर वो रॉन्ग नंबर मुसलसल मैसेज और कॉल्स के ज़रिए इस लड़की को फंसाने के चक्कर में लगा रहा। मोबाइल फ़ोन की डाटा रिपोर्ट मंजरेआम पर आने से लड़की के जिस भाई ने बहन को गोली मारी थी इसने इसी वक्त जेल में खुदकुशी कर ली और रॉन्ग नंबर मिलाने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाला। यूं एक रॉन्ग नंबर से 3 दिनों के अंदर एक पाकदामन औरत को इसके 6 बच्चों से पूरी ज़िंदगी के लिए जुदा कर दिया। और 10 दिनों के बाद लड़की के भाई ने खुदकुशी करके एक और औरत और इसके 4 बच्चों को यतीम कर दिया। यूं 13 दिनों के अंदर 9 बच्चे यतीम और 2 खानदान तबाह बर्बाद हो गए। ज़रा सोचिए और बताइए कि कसूरवार कौन है, बेगैरत रॉन्ग कॉल वाला लड़का, मकार सास, या ये हमारा माशरा। दोस्तों, एक सऊदी तालिब इल्म के साथ पेश आने वाला वाकया है जो हुसूल तालीम के लिए बरतानिया में मुकीम था। वो तालिब इल्म बयान करता है कि मुझे कैसी अंग्रेज़ फैमिली के साथ एक कमरा किराए पर लेकर रहने का इत्तफाक हुआ जो एक मियाँ बीवी और एक छोटे से बच्चे पर मुश्तमिल थी। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी किसी काम से बाहर जा रहे थे तो इन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप घर पर ही हैं तो हम अपने बच्चे को कुछ वक्त के लिए आपके पास छोड़ दें। मेरा बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था इसलिए मैंने हामी भर ली। वो बच्चा मुझसे काफ़ी मनूस था। कुछ देर खेलने के बाद वो मुझसे इजाज़त लेकर किचन में गया और थोड़ी ही देर बाद मुझे किसी बर्तन के टूटने की आवाज़ आई और साथ ही बच्चे की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी से किचन में गया और देखा कि शीशे के जिस गिलास में बच्चा पानी पी रहा था
वो इसके हाथ से गिरकर टूट चुका था और बच्चा डर कर अपनी जगह सहमा खड़ा था। मैंने इस बच्चे को तसल्ली दी और कहा कि तुम परेशान ना हो और अम्मी वापस आई तो उनसे कहना कि गिलास अंकल से टूट गया था। फिर मैंने सोचा कि अगले दिन एक गिलास लाकर किचन में रख दूंगा। ये एक मामूली वाकया था और मेरे ख्याल में परेशानी वाली कोई बात ही नहीं थी। जल्द ही वो दोनों मियाँ बीवी वापस आ गए और मैंने बच्चे को इनके हवाले कर दिया। वो रज जब किचन में गई और गिलास टूटा हुआ पाया तो बच्चे से पूछा। बच्चे ने इनको वही बताया जो मैंने इसे समझाया था। इस शाम को वो बच्चा मेरे पास बहुत अफसरदा हालत में आया और मुझे कहा कि अंकल मैंने अम्मी को सच बता दिया है कि वो गिलास आपने नहीं बल्कि मैंने तोड़ा है। अगली सुबह मैं यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रहा था कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने इस बच्चे की माँ खड़ी थी। इसने मुझे सुबह बखैर कहा और नहायत शास्तगी से मेरा नाम लेकर कहा कि हम आपको एक नफीस और शरीफ आदमी समझते थे, मगर आपने हमारे बच्चे को झूठ बोलने की तरगीब देकर अपना वकार ख़राब कर लिया है। हमने आज तक किसी भी मामूली या बड़ी बात पर अपने बच्चे से झूठ नहीं बोला, ना कभी इसको झूठ बोलने की तरगीब दी, लिहाजा हम आपको मज़ीद अपने साथ नहीं रख सकते। बराए मेहरबानी आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने लिए किसी दूसरी रहाइश का बंदोबस्त कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।